नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के 80 घाट पर, और यहाँ पर जो कि देव दीपावली की तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से की जा रही है और घाटों को साफ किया जा रहा है और काफ़ी घाट बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से ले चलते हैं जहाँ की लेजर शो लगाया जाता है चेत सिंह घाट पर, वहाँ तक आपको वीडियो में दिखाते हैं क्या घाट का हाल है और किस तरह से तैयारी हो रही है। तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, सुबह बनारस घाट का जो कि मंच है और घाट के नीचे ही हम खड़े हैं। यहाँ पर जो कि सुबह की आरती हुई है, तो यह सब सामान भी रखे हुए हैं आरती के, देख पाएंगे। और घाटों पर देख पाएंगे किस तरह से जो कि यह सब पुल की तरह बना दिया गया है, इसलिए कि नावों पर बैठाने के लिए कस्टमर को नाव चालक लोग बना दिए हैं। और कुछ इस तरह से देख पाएंगे कि यह घाट का हाल है, काफ़ी मिट्टी जमा हुआ है इस समय, और देव दीपावली की तैयारी के लिए सफाई भी काफ़ी जोरों से की जा रही है। यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से जो कि सफाई किया जा रहा है, और कुछ इस तरह से घाट का हाल अभी देख पाएंगे आप वीडियो में। यहाँ पे देख पाएंगे किस तरह से जो कि कई सारे पाइप लगा दिए गए हैं, जो कि मिट्टी को खदर खदर कर डाला जाता है फिर से गंगा जी में, और यह सब साफ हो जाता है। तो देव दीपावली भी अच्छे से मनाई जाती है और फिर घाट पर लोग घूमने टहलने वाले जो भी आते हैं उनको सुविधा होती है। कुछ इस तरह का हाल है, आगे भी देख पाएंगे आप। और घाट का इस समय हाल देख पाएंगे काफी जो कि इसमें खाली खाली सा है थोड़ा, और कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ घूम रहे हैं जो कि स्कूल बंक करके, देख पाएंगे। और जो कि 80 घाट है जहाँ आरती होती है, यह सब एरिया देख पाएंगे, और यहाँ पर जो कि नीचे तक सफाई कर दिया गया। तो दोस्तों देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सफाई की जा रही है, और लगभग लगभग पूरा घाट साफ कर दिया गया 80 घाट का। आगे ले चलते हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों कि गंगा महल घाट पर अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ पे देख पाएंगे कि जो कि 80 घाट का किनारा है, यह सब किस तरह से साफ किया जा रहा है काफी तेजी से, और जो कि तैयारी काफी तेज हो रही है। यह घाट का हाल देख पाएंगे किस तरह से जो कि मिट्टी बह रहा है, और यह जो कि देख पा रहे हैं जो चबूतरा है और सीढ़ी है, यह सब जो कि टोटल मिट्टी से जमा हुआ था लेकिन पाइप द्वारा जो कि साफ कर दिया गया है। यह सब टोटल मिट्टी जमा हुआ था, और यह गंगा महल वाला जो कि एरिया है देख पाएंगे, यहाँ पर लोग खड़े होकर जो कि फोटो वगैरह शूटिंग कर कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और यह जो कि चबूतरा है छोटा सा, यहाँ पर भी काफी मिट्टी जमा हुआ था, अभी भी देख पा रहे हैं थोड़ी गीली मिट्टी पड़ी हुई है, और इस सब सीढ़ियों पर भी काफी मिट्टी था। और यह देख पा रहे हैं जो कि आगे जाने के लिए घाट टोटल जो कि भर गया था मिट्टी से, ऊपर तक मिट्टी जमा हुआ था लेकिन जो कि वर्करों द्वारा खाली सब कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है, और कुछ इस तरह से मिट्टी बहा बहा कर गंगा जी के किनारे तक कर दिया गया है। इस साइड में देख पाएंगे कि किस तरह से पूरा जो कि मिट्टी अभी भी जमा हुआ है, और किनारे किनारे से मिट्टी बहते हुए पानी जा रहा है जो कि गंगा जी में। और इस समय घाट का हाल देख पाएंगे सुबह के जो कि टाइम आपको बता दे, तो अभी देख पाएंगे 9:05 हो रहे हैं, और जो मिट्टी बहाए जा रहे हैं देख पाएंगे इधर से ही जब बहकर गंगा जी में जा रहे हैं। कुछ इस तरह से देख पाएंगे अभी तुलसी घाट पर आ गए हैं, और यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, सीढ़ियों का क्या हाल है जो कि साफ कर दिया गया है, और देव दीपावली तक ऐसा माना जा रहा है साफ कर दिया जाएगा, आगे क्या होगा देखा जाएगा। और ये जो कि तुलसी घाट की सीढ़ियां हैं देख पाएंगे, और यहीं पर जो कि तुलसी घाट की आरती होती है जो कि यह चौकी है, और घाट देख पाएंगे जो कि थोड़ा सा गीला है, इसलिए कि लोग स्नान करने वाले लोग मिट्टी वगैरह नहाने के बाद आ रहे हैं तो सब हो जा रहा है इस तरह से। आगे ले चलते हैं पंपवा घाट की तरफ, और तुलसी घाट पे गंगा जी का जलस्तर जो कि दिखा देते हैं, तो ये देख पाएंगे कुछ
कुछ इस तरह से अभी जो कि घाट के नीचे ही पानी है, लगभग 4 से 5 फीट नीचे पानी है। पंपवा घाट पर जाने से पहले देख पाएंगे चबूतरे को किस तरह साफ किया जा रहा है। जो सीढ़ी है टोटल जो कि फुहारा मारकर पानी से साफ किया जा रहा है। आगे देखते हैं किस तरह से जाते हैं। देख पाएंगे कि इसी जगह से आपको लेकर आए हैं और उनको बोलने पर जो कि पानी बाहर की तरफ किए हैं तब आप आए हैं। और इसी तरह से जो कि घाट सफाई किया जा रहा है हर जगह। और इस समय पंपवा घाट पर आ गए हैं तो यहाँ का हाल देख पाएंगे। टोटल मिट्टी जमा हुआ है और ऊबड़ खाबड़ जो कि नीचे ऊपर रास्ता है ऊंचा खाला, डाउन अप करते हुए आपको ले चलते हैं अब, क्योंकि इधर अभी सफाई हो रहा है या नहीं है तो आगे चलने के बाद पता चलेगा। कुछ इस तरह से जो कि घाट का हाल है दोस्तों। यह पंपवा घाट का एरिया है देख पाएंगे, जो कि गड्ढा खोदा गया था ज्यादातर कार्य करने के लिए। सब कुछ मिट्टी से भर चुका है और इस समय किस तरह से हाल है यह देख पाएंगे। जो लोग बनारस के होंगे वह जानते होंगे। कुछ इस तरह से देख पाएंगे जो कि मिट्टी सीढ़ियों का रूप ले चुकी है। जिस जिस तरह से पानी जो कि बढ़ा है और कम हुआ है, किस तरह से सीढ़ियों का रूप ले चुका है यह आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस समय जो कि भदेनी घाट पर मौजूद हैं हम। देख पा रहे दोस्तों माता आनंदोमयी घाट पर अभी आ चुके हैं और यहाँ पर जो कि पानी का क्या हाल है सीढ़ियों पर देख पाएंगे, जो कि जस्ट सीढ़ियों के नीचे ही पानी है और ये सब घाटों को जो कि साफ कर दिया गया है। जैसे कि अभी आपने देखा पंपवा घाट पर ज्यादा मिट्टी जमा हुआ है, लेकिन इस समय ये सब घाटों को जो कि साफ कर दिया गया है। और आगे ही आपका चेत सिंह घाट है तो वहां तक आपको ले चलेंगे दिखाएंगे। कुछ इस तरह से देख पाएंगे जो कि नाव चालक लोगों की नाव भी शुरू कर दी गई है। और मौसम जो कि काफी सुहावना है, धूप बिल्कुल नहीं है, कोहरे की तरह जो कि माहौल हो चुका है ये आप देख पाएंगे वीडियो में। और देख पाएंगे दोस्तों जो कि भदेनी जी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, इसमें देख पाएंगे दोस्तों कि निषाद राज घाट पर हैं और जो कि इस तरफ का टोटल घाट साफ किया गया है। इसके बाद देख पाएंगे सीढ़ियाँ किस तरह से नजर आ रही हैं जो कि पूरा मिट्टी से ढका हुआ है। और आगे का क्या हाल है ये आप देख पाएंगे। नावें किनारे लगाई गई हैं ज़्यादातर और अभी पानी जो कि इधर जो कि काफ़ी ऊपर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यह नीचे वाला एरिया है निषाद राज घाट का। इस साइड में भी देख पाएंगे कुछ सीढ़ियों की तरह मिट्टी हो चुका है। और गंगा जी देख पाएंगे बिल्कुल पास में यहाँ पर हैं, जो कि स्नान करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन यह जो कि चबूतरा बनाया गया था इसी के ऊपर पानी है और नीचे जो कि काफ़ी गहरा होगा, इस वजह से यहाँ पर नहाने से बचें जो भी लोग अगर नहाना चाहेंगे तो। और अभी हम चेत सिंह घाट पर पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों देख पा रहे हैं जो कि चेत सिंह घाट के जो कि एरिया में आ गए हैं और यह जो कि प्रभु घाट अभी है। कुछ इस तरह से जो कि अभी मिट्टी जमा हुआ है देख पा रहे हैं, घाटों को साफ किया गया है लेकिन अभी अच्छी तरीके से नहीं किया गया है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द साफ किया जाएगा। ज़्यादा मिट्टी नहीं है, बस धूल वगैरह बचे हुए हैं। और सीढ़ियों को देख पा रहे हैं किस तरह से हम चलते हुए आपको दिखा रहे हैं। और आगे ही जो कि चेत सिंह किला है, जहाँ की लेजर शो देव दीपावली के समय किया जाता है, देव दीपावली के दिन, और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही यहाँ पर लेजर शो लगना शुरू हो जाता है। और यह सब जगहों पर देख पाएंगे दोस्तों जो कि छोटी बड़ी दुकानें चाय वगैरह की लगाई जाते हैं, छोटे स्टॉल। इस समय कुछ भी नहीं मौजूद है क्योंकि पानी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही नीचे हुआ है, तो लोग धीरे धीरे ही दुकान लगाएंगे, हो सकता है कि देव दीपावली तक लग जाए। कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं
जो कि यह सब दीवार है चेत सिंह किला का, ये सब ऊपर जो कि लेजर लाइट लगाए जाते हैं, अभी देख पा रहे हैं घास पतवार जमे हुए हैं, तो ये सब टोटल क्लीन कर दिया जाता है, उसके बाद ही लाइट लगाई जाती है। दोस्तों अब आ गए हैं चेत सिंह जो कि किला है, जो कि घाट भी बोला जाता है, यहाँ देख पाएंगे, और यहीं पर जो कि आपका लेजर शो लगाया जाता है और काफ़ी भव्य और सुंदर तरीके से तैयारी की जाती है। और इसका लेजर शो जो कि गंगा जी के उस पार जो कि रेती पड़ी है, गंगा जी के उस पार जो कि रेती दिखाई दे रही है आपको वीडियो में, उस पर कुछ इस तरह से लेजर शो चलाया जाता है कि उस पार आकृति बनकर दिखाई देने लगती है रेत पर, और गंगा जी में भी जैसे लगता है कि कुछ अजीबोगरीब टाइप से यहाँ पर जो कि एक लेयर बन जाती है लेजर की। तो दोस्तों काफ़ी भव्य और सुंदर तरीके से यहाँ पर जो कि मनाया जाता है देव दीपावली, और यहीं पर जो कि लेजर शो चलाया जाता है, और जब होगा तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। और यह सब एरिया जो कि टोटल लेजर से भर दिया जाता है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की जाती है। यह देख पाएंगे जो कि निरंजनी घाट है, इस घाट को भी सजाया जाता है, इसके आगे जो कि शिवाला घाट है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको इतना ही दिखा पाएंगे, और आगे का घाट आपको देखना है हमारे वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।